नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। 95 साल की उम्र में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का हुआ निधन। अमित शाह ने राम जेठमलानी को उनके घर जाकर दी श्रद्धांजलि। राम जेठमलानी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। आज गुवाहाटी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी हरियाणा के रोहतक में आज फूड पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। आज शाम 4 बजे किया जाएगा दिवंगत वकील राम जेठमलानी का अंतिम संस्कार। राजस्थान के पुष्कर में आरएसएस की बैठक, आज दूसरा दिन एनआरसी पर चर्चा की उम्मीद। 100 दिन पूरे होने पर आज बीजेपी जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। अमेरिकी सैनिक की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ रद्द कर दी वार्ता। पूर्व मंत्री चिन्मयानंद मामले में एसआईटी की जांच शुरू। महाराष्ट्र को पीएम मोदी का चुनावी तोहफा, मुंबई में 3 मेट्रो लाइन की रखी आधारशिला। पूछ में पाक ने दूसरी बार तोड़ा युद्ध विराम, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका ने कहा चंद्रयान 2 भारत के लिए बड़ा कदम, यह मिशन उन्हें आगे तक ले जाएगा। कनाडा की 19 वर्षीय बियांसा हिंदेस्ट्रुक ने जीता खिताब। 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना को हराया। 5 महीने में तिरुपति में रिकॉर्ड डोनेशन हुआ। 140 करोड़ कैश, 524 किलो सोना और 3000 किलो चांदी। अमेजन के जंगलों में आग से बचने के लिए झोपड़ी में जुटे 7 देशों के प्रमुख नेता। दिल्ली में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहां भटक गया विक्रम लैंडर, रहस्य पर्दा उठाने के लिए इसरो ने शुरू की जांच पड़ताल। हरियाणा के गुरुग्राम में शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे पीएम मोदी। स्टर्लिंग बायोटेक केस में अहमद पटेल के बेटे से पूछताछ करेगी ईडी। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।